बहुत देर के लिए। बस प्यारी। बहुत हसीन। बस हसीन। ऐसे जैसे आसमान से परी उतर के जमीन पे। क्यों ना आज आपको आपकी अम्मी के घर लेके जाया जाए। हाँ, मगर खाना खाने के बाद। जो हुक्म आपका। और हम मामा से भी पूछ लेते हैं, अगर वो मेरे साथ जाना पसंद करें तो। I don't think so, वो जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी तुम एक बार उनसे पूछ लो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा सुनो, एक और बात, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं काफी दिन हो गए शायद तुम्हें बताया नहीं। I love you. जल्दी आ जाएं। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई, आप ही के पास आ रही थी मैं। अच्छा ये बताएं, कैसी लग रही हूं मैं? ये सवाल तो तुम्हें वलीद से करना चाहिए ना। वलीद को तो मैं हर हाल में अच्छी लगती हूँ, आप बताएं आपको कैसी लग रही हूँ। सुरैया हम बाहर जा रहे हैं, तुम मेरे कमरे का एसी ऑन कर दो ताकि जब वापस आए तो कमरा ठंडा हो। तुम्हें कुछ अंदाजा है इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी? सहूलत के लिए होता है ना एसी, तो फिर ये सस्ता महंगा क्या? और वैसे भी अल्लाह ने इतना दिया है, आराम के लिए ही दिया है ना। अब तुम मुझे समझाओगी? नहीं नहीं मैं आपको समझा नहीं रही, बस यही कह रही हूँ कि कंजूसी करने से किसी के रिस्क में बरकत नहीं रहती। ओ हाँ, जो पूछना ही थी वो तो भूल ही गई, हम बाहर जा रहे हैं, आप साथ चलेंगी? नहीं ना। नहीं, नहीं जाना मुझे कहीं भी। फिर आप कहेंगी मुझसे किसी ने पूछा नहीं। वलीद कह रहे थे पूछो पूछो पूछो, मुझे तो पता था आपने नहीं जाना। चलें सर, मामा आप चल रही हैं हमारे साथ? बता दिया तुम्हारी बीवी को, नहीं जाना मुझे कहीं। मैंने तो इनसे कहा है कि साथ चलें, इन्होंने ही साफ इनकार कर दिया, इनको डर है कि मुझे इनके साथ कोई देख ना ले। चलें जैसे आपकी मर्जी, हम जा रहे हैं थोड़ी देर तक आशे। Let's go. वो किस कदर चालाक है ये लड़की। Good save. मैम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे, मैं यूं गया और यूं आया, एटीएम यूज करके आया। ठीक है।